नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। समुद्र के रास्ते गुजरात में घुसे 10 से 15 आतंकवादी, अलर्ट जारी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी कैंप पर भारतीय सेना के हमले के बाद गुजरात में जलीय सीमा से 10 से 15 आतंकवादियों के घुसपैठ की सूचना के बाद गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया विभाग की जानकारी के बाद हिंद महासागर के तट पर स्थित दो प्रमुख धार्मिक स्थलों द्वारका और सोमनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। द्वारका जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर आसपास के 22 निर्जन टापुओं पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी है। भयभीत नवाज शरीफ ने सेना को दी सख्त चेतावनी, आतंकियों का करो सफाया। उड़ी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई किरकिरी के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सैन्य नेतृत्व को सख्त चेतावनी देते हुए आतंकियों का सफाया करने को कहा। सरकार ने साफ कहा है कि आतंकियों का सफाया करना बहुत जरूरी है, यदि ऐसा नहीं किया गया तो पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के अनुसार सरकार ने साफ कहा है कि आतंकी गुटों पर कार्रवाई में सेना और खुफिया एजेंसियां कोई दखलंदाजी न करें। BCCI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा सिफारिशें मानने से कभी इनकार नहीं किया। BCCI ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस RM लोढ़ा समिति की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उसने कभी भी समिति की सिफारिशों को मानने से इनकार नहीं किया है। BCCI ने गुरुवार को शीर्ष अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सभी सदस्यों की बैठक हुई थी, इसमें कई सिफारिशों को वोटिंग के जरिए खारिज किया गया था। लोढ़ा समिति को भेजे गए सभी 40 ईमेल्स के रिकॉर्ड की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी। यह बात सच नहीं है कि हमने समिति की ईमेल्स पर कोई जवाब नहीं दिया। श्रीलंकाई नौसैनिकों का भारतीय मछुआरों पर हमला, नौका डुबोई। श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के मछुआरों पर कथित तौर पर हमला करते हुए उन पर पथराव किया तथा उनकी एक मशीनीकृत नौका को डुबो दिया। घटना तब हुई जब मछुआरे धनुषकोटी अपतटीय क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे। तमिलनाडु मशीनीकृत मछुआरा संगठन के अध्यक्ष पी सेसुराजा ने गुरुवार को यहां बताया कि श्रीलंकाई नौसैनिकों ने करीब 70 नौकाओं के जाल नष्ट कर दिए और पत्थरबाजी की तथा बोतलें फेंकी। इस कारण 2000 से अधिक मछुआरों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। समुद्री तूफान मैथ्यू से हैती में तबाही, 26 की मौत। कैरेबियन सागर के एक दशक के भीतर के सबसे ताकतवर समुद्री तूफान मैथ्यू से हैती के दक्षिण इलाके में 26 लोगों की मौत हो गई और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। तूफान के कारण अमेरिका के सबसे गरीब देश हैती में राष्ट्रपति चुनाव स्थगित हो गया है। तूफान से हैती में करीब 80% घर ध्वस्त हो गए, जिनमें से 7 लाख से ज्यादा की आबादी रहती थी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।